Now next one, check the given character is valid alphabet digit, alphabet symbol or not. Alphabet ke cases mein discuss kiya tha like a characters. Alphabets ke case mein two possible cases honge like in case of any alphabet. Possible cases are any alphabet character either in uppercase format or in लोअर केस फॉर्मेट्स. मींस कोई भी अल्फाबेट कैरेक्टर एट ए टाइम या तो अपर केस की कैटेगरी के अंदर आएगा या फिर लोअर केस कैरेक्टर्स की कैटेगरी के अंदर आएगा. अपर केसेस के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था व्हाट इज द अप्लाइड कंडीशन फॉर अपर केस. मींस इस केस में कंडीशंस किसके लिए अप्लाई करेंगे. वन कंडीशन फॉर चेकिंग अपर केस कैरेक्टर. मींस अगर आपको अल्फाबेट चेक करने के लिए कंडीशन से अप्लाई करना है, इस केस में टोटल कंडीशंस किसके रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड होंगे. कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू चेकिंग फॉर अपर केस कैरेक्टर एंड चेकिंग फॉर लोअर केस कैरेक्टर्स. जब भी अपर केस के लिए चेक करना है उसके लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, सेपरेट कंडीशन. वन मोर सेपरेट कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड होगा, एंड अदर कंडीशन फॉर चेकिंग लोअर केस. मींस कोई भी अल्फाबेट कैरेक्टर एट ए टाइम, अगर वैलिड अल्फाबेट है देन एट ए टाइम या तो अपर केस कैरेक्टर होगा या फिर लोअर केस कैरेक्टर्स होगा, लेकिन दोनों ही एक साथ पॉसिबल नहीं है. इसलिए जब कंडीशन से अप्लाई करें तो मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइंड करेंगे वाई यूजिंग और एक्सप्रेशन और ऑपरेटर. आइदर कंडीशन वन इज ट्रू और कंडीशन टू इज ट्रू. अगर इन दोनों में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन गिवन कैरेक्टर का टाइप क्या हुआ, वैलिड अल्फाबेट कैरेक्टर. व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई किसके लिए करेंगे, अपर केस के लिए. ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था अगर किसी भी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू ऑफ ए एंड जेड, इस ए एंड कैपिटल जेड के बिटवीन में लाई कर रहा है देन इसका टाइप क्या हुआ, अपर केस. देन व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए 65, आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल जेड इज 90. सेम एज अगर आपको कंडीशन टू में से लोअर केस के लिए कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, लोअर केस के केस में पॉसिबल केसेस क्या होंगे, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड लाइक दैट. व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए 97, आस्की वैल्यू ऑफ जेड इज 122. दिस इज द लोअर बाउंड फॉर चेकिंग अपर केस, अपर बाउंड फॉर चेकिंग अपर केस. दिस इज द लोअर बाउंड फॉर चेकिंग लोअर केस, अपर बाउंड फॉर चेकिंग लोअर केस. मीन्स इस केस में आपको कंडीशंस किसके फॉर्म में अप्लाई करना है, रेंज के फॉर्म में. रेंज दिस इज द मिनिमम रेंज एंड मैक्सिमम रेंज. मिनिमम और मैक्सिमम रेंज को कंबाइंड करने के लिए यूज क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन समथिंग फॉर अप्लाइंग चेकिंग फॉर अपर केस. देन सेम एज दिस इज द मिनिमम रेंज फॉर 97 क्या है, मिनिमम रेंज फॉर चेकिंग लोअर केस कैरेक्टर. सेम है 122 इज अ मैक्सिमम रेंज फॉर चेकिंग अपर केस लोअर केस कैरेक्टर. इन दोनों को अगेन कंबाइंड किससे करेंगे, एंड से. जब भी कंडीशन रेंज के फॉर्म में अप्लाई करें, रेंज के फॉर्म में कंडीशन हमेशा कंबाइंड किससे होगा, यूजिंग एंड ऑपरेटर. लेकिन इसके साथ दोनों ही कंडीशन एट ए टाइम ट्रू होना चाहिए, एनी वन. इसलिए इसको कंबाइंड किससे कराएंगे, और ऑपरेटर से. ऑलरेडी डिस्कस किया था व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्मॉल अपर केस. अपर केस के केस में कंडीशन राइट करें लाइक अगर सी एच और गिविन कैरेक्टर का आस्की वैल्यू कैपिटल ए से बड़ा है एंड कैपिटल जेड से छोटा है. इफ सी एच लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल जेड और दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर अपर केस कैरेक्टर. सेम एज एक और कंडीशन किसके लिए अप्लाई कराएंगे, लोअर केस के लिए, प्लस दोनों ही केस दोनों ही कंडीशन को कंबाइंड किससे कराएंगे, यूजिंग लॉजिकल और ऑपरेटर्स. सेकेंड कंडीशन इफ आस्की वैल्यू ऑफ सी एच लेस देन इक्वल्स टू इफ आस्की वैल्यू ऑफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एंड आस्की वैल्यू ऑफ सी एच लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल जेड. दिस इज द सेकेंड कंडीशन. दिस इज कंप्लीट पार्ट को कंसिडर करेंगे जब इफ कंडीशंस. दिस इज द कंप्लीट कंडीशन फॉर चेकिंग गिवन कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नॉट. हाउ टू प्रोग्राम इट, मीन्स प्रोग्राम्स को राइट करने के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, सम वेरिएबल डिक्लेरेशंस. ओवरऑल एक्सप्रेशंस के अंदर टोटल वेरिएबल्स के इसके ओनली सिंगल वेरिएबल सी एच. इस केस में ए और जेड क्या है, कॉन्स्टेंट्स, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स. वेरिएबल्स कितने, ओनली वन वेरिएबल्स. इसलिए टोटल वेरिएबल डिक्लेरेशंस कितने रिक्वायर्ड होंगे, ओनली
single variable declaration of character type char ch. Second required step क्या reading inputs, input read करने के respect में just provide करेंगे some message using printf like enter character. This is character के respect में check करना given character is valid alphabet or not. सबसे पहले required क्या हो reading data, data को read करने के लिए apply करेंगे scanf function. Characters के लिए value read करने के लिए format specify यूज होगा एज अ परसेंट सी एड्रेस ऑफ सी एच देन कंडीशन सेम कंडीशन पुट करना रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू इफ इफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड सी एच लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल जेड दिस इज द फर्स्ट कंडीशन और दिस इज द कंडीशन फॉर चेकिंग अपर केस कैरेक्टर सेकेंड कंडीशन कंबाइंड किससे कराएं यूजिंग और ऑपरेटर देन इफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल ए एंड सी एच लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल जेड लाइक दैट देन इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें से मिस और ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में और फर्स्ट कंडीशन टू इसका मतलब क्या है गिवन कैरेक्टर इज अपर केस अल्फाबेट अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और सेकंड ट्रू है देन इस केस में टाइप क्या होगा इसका गिवन कैरेक्टर लोअर केस कैरेक्टर दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होना कभी पॉसिबल नहीं होगा इस केस में इसलिए कंबाइंड किससे कराएंगे और ऑपरेटर देन इसके अकॉर्डिंग अगर कंडीशन ट्रू है देन इफ के बॉडी पार्ट में करेस्पॉन्डिंग मैसेज इस पर करा लेंगे एज अ यस गिवन कैरेक्टर वैलिड अल्फाबेट वैलिड अल्फाबेट देन अगर कंडीशन फॉल्स है फॉल्स किस केस में हुआ मीन्स गिवन कैरेक्टर ना ही अपर केस फॉर्मेट में ना ही लोअर केस फॉर्मेट में अवेलेबल है इसका मतलब दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगे अगर दोनों कंडीशन ट्रू है इस केस में एग्जीक्यूशन किसका हुआ बॉडी ऑफ एल्स ब्लॉक के अंदर डिस्प्ले करा लेंगे सम अल्टरनेटिव मैसेज नॉट अल्फाबेट नॉट अल्फाबेट इज द प्रोग्राम फॉर चेकिंग गिवन कैरेक्टर्स वैलिड अल्फाबेट और नॉट इस अल्फाबेट के केस में एट ए टाइम या तो ये अपर केस में हो या फिर लोअर केस में